ठीक है, आगे बात करते हैं, आप लोग ध्यान से देखो आगे, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग एक नए कंसेप्ट पर या नए चैप्टर पर चल रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है ना। इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ प्राइस या इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम। क्या है सर ये कंसेप्ट, क्या है इस कंसेप्ट के अंदर, पढ़ते क्या आपने लोग को क्या नॉलेज मिलता है इस कंसेप्ट के अंदर सर, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, राइट। मैं बोला देखो सुनो, बताओ सर, सुन रहे हम लोग सर। इसमें बिफोर यू नो कमिंग इन टू द मेन पार्ट, देखो मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊं ना, तो इसमें जो मेन पार्ट है वो प्राइस सीलिंग और प्राइस रैशनिंग के बारे में है, मतलब एक के ऊपर क्वेश्चन आता ही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। बट बिफोर दैट आप लोगों को लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए ना कि ये चैप्टर है किस बारे में, चल क्या रहा है यहां पर। तो देखो दोस्तों, आज आप लोग को पता है, आज आप लोग को एक बात पता है, और वो सर क्या, कि जब भी डिमांड को, मैं एक बार डिमांड की बात कर रहा हूं और फिर सप्लाई की भी बात करूंगा, जब भी प्राइस को छोड़ के, देखो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर के वजह से डिमांड में बदलाव आ रहा है, सो दैट कॉजेज व्हाट, दैट डज नॉट कॉज मूवमेंट, दैट कॉज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। यस और नो, डिमांड में पढ़े हैं आप लोग? हाँ सर, ये बात तो पढ़े हैं कि अगर प्राइस को छोड़ के कोई भी और फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है तो डिमांड चेंज तो होगा, बट दैट चेंज विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, नॉट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यस और नो? हाँ सर। अब आप लोग को यह बात पता है, खाली बेसिक बेसिक बातें आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि दैट विल बी यूज्ड हियर, कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ, सीधी सी बात है, पहले आप लोग ये बातें बस रिवाइज कर लें कि अगर डिमांड इंक्रीज हुआ, अगर दोस्तों डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहां पर देखो आप, अगर देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड तो क्या होगा, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो आप लोग को ये ध्यान ही है कि देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग बात अदर फैक्टर्स का कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस नहीं बोल रहा मैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा सर। करेक्ट बात है सर, करेक्ट बात है। अच्छा, अगर डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो, अगर डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, अगर देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, तो मान लीजिए ये डिमांड कर रहा है, तो जो डिमांड होगा दोस्तों वो डिक्रीज होगा एज वी हैव डिस्कस्ड, और वो डिक्रीज होने की वजह से माय डियर फ्रेंड्स इस तरफ आएगा। अच्छा, समझ में आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया सर। इसमें तो आपने कुछ नया नहीं बताया। मैं बोला हाँ, रुक जाओ, अभी बस रिवीजन चल रहा है जिससे इस कंसेप्ट के डेप्थ में या इस चैप्टर के डेप्थ में अपने जा सके। पहले मैं केवल याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं क्या आप लोग को ऑलरेडी आता है। ये डिमांड के केस का था, अगर मैं सप्लाई का आपको याद दिलाऊं तो इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से भी वही सेम सिनेरियो अराइज होता है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, आप लोग देखो ये है ऐसे है, अगर ये एक सप्लाई कर्व है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा व्हेन देर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, राइट। जी हाँ सर, देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, तो जो ये राइटवर्ड शिफ्ट है वो इस तरफ आ गया। ओके सर, समझ में आया। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, अगर बात डिक्रीज इन सप्लाई की है, लिसन केयरफुली, अगर बात डिक्रीज इन सप्लाई की है, लिसन वेरी केयरफुली, तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये है यहां पर, यहां पर, तो मतलब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ सर बिल्कुल, इतना आप लोग अग्री करते हो गया, आई एम वेरी श्योर। हाँ सर, हम लोग इतना अग्री करते हैं, बस 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 यही बैकग्राउंड है, यही बैकग्राउंड है जिसका जरूरत था। अब सर ये बताओ ना आप कि हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखो, यहां पर अजम्पशन ये है, इस चैप्टर के अंदर अजम्पशन ये है कि अपने लोग को मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पता है, मतलब कि जब ऐसा प्राइस अपने को पता है जहां पर डिमांड और सप्लाई ओरिजिनली एक दूसरे के बराबर है, मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो उस लेवल पर जो प्राइस है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर। ये बात सर अपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ाई है? हाँ सर पढ़ा है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आपसे, कि एक बात बताओ, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताओ, मान लो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, आपको कोई फैक्टर दे देगा, लेट से आपको बोला कि कंज्यूमर का इनकम हैज फॉलन, सुनना ध्यान से, आपको बोल दिया कंज्यूमर का इनकम हैज फॉलन,
अब आपसे पूछा एक बात बताओ, स्टेट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बदलेगा क्या और किस तरह से बदलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ये भी बताओ, आपसे ये पूछेगा। आप लोग एक बार सोचो, ठीक है ना, मैं लिख कर बताऊंगा ये सारी बातें, आप लोग एक बार सोचो। कंज्यूमर का इनकम गिरा, तो कंज्यूमर का इनकम गिरा तो बदलाव किस में आएगा, सबसे पहले ये क्लैरिटी के साथ सोचिए, डिमांड के में कि सप्लाई में। यार अगर कंज्यूमर का इनकम है, बात कंज्यूमर का कर रहा है, तो जब भी बात कंज्यूमर का होता है तो अपने लोग डिमांड साइड देखते हैं ना, जब प्रोड्यूसर का बात हो, प्रोडक्शन का बात हो, तब अपने सप्लायर या सप्लाई को देखेंगे। यहां पर तो बात कंज्यूमर का है, तो मतलब सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इनकम कम हुआ है तो मतलब डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा मतलब देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, फिर हम लोग नया डिमांड कर्व बनाएंगे एंड देखेंगे कहां इक्वल हो रहा है और उस हिसाब से चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस पर आएंगे। अच्छा तो ये बात है सर, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को, है ना। सबसे पहले अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। अच्छा अब डिमांड क्यों चेंज हो सकता है, याद रखिएगा, कोई आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भाई डिमांड चेंज हो रहा है, आपको फैक्टर बताएगा कि ये फैक्टर हुआ है, तो आपको सोचना है कि उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एंड देन करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट। अच्छा अब डिमांड क्यों चेंज हो सकता है, वो फैक्टर्स को एक बार आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करवाऊं, वो मैं करवा सकता हूं। अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, याद आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल याद आ रहा है, डिमांड में पढ़ा रखा है सर आपने ये बात, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यस जी हाँ सर बिल्कुल, ये बातें आपने बता रखी है। ऐसे करके और भी कई फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं चेंज इन डिमांड। सर ठीक है, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है, इसमें तो कोई हमारे को परेशानी नहीं है, मैं बोला रुको, ऐसे करके और भी चीजें हैं, और भी फैक्टर्स हैं, मैं सच बताऊं तो आपको, ठीक है जी हाँ सर ठीक है। सर अब सवाल ये है, अब आप लोग बोलोगे कि सर हमारा सवाल आपसे ये है कि अब व्हाट इज द इफेक्ट या हाउ डू वी जज द इफेक्ट एंड व्हाट इज द चेंज। आइए अब अपने बात करते हैं। नंबर वन, जब डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जब देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, याद रखिएगा मैं आप लोग को दो तीन सिनेरियो सिखाऊंगा, चौथा आप अपने आप ही करने लगोगे। इंक्रीज इन डिमांड, देखो आप इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई मान ले डिमांड इंक्रीज हो गया, तो जब डिमांड इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट हुआ ये बता, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आया ये बताओ। तो हमेशा पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप क्या है सर कि पहले आप ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी तो निकालिए, इंक्रीज इन डिमांड तो बाद में बनाएंगे, पहले ओरिजिनल सिचुएशन बनाइएगा आप हमेशा, ठीक है सर, समझ में आ गया आपका बात, यानी कि प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, बराबर है सर। अब आप लोग देखो, ये ओरिजिनल है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी सप्लाइड, है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सुनो, सप्लाई और ये डिमांड। अच्छा और इक्विलिब्रियम सिनेरियो क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल हो रहा है सर, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये हर क्वेश्चन में करना है क्या सर? एग्जैक्टली ये हर क्वेश्चन में करना है, पीई और QE, हर क्वेश्चन में करना है। अभी तक मैंने कोई फैक्ट दिया नहीं है, ये तो मैंने इक्विलिब्रियम सिनेरियो क्रिएट किया, हम लोग भी हर क्वेश्चन में करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद देखिए, अगर डिमांड में इंक्रीज आया, दोस्तों अगर डिमांड में इंक्रीज आया तो आप लोग अग्री करोगे कि देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, अग्री करते हैं सर आप, तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो इसका मतलब जो डिमांड कर्व है वो अब इस तरफ होगा, इसका मतलब है डिमांड कर्व अब इस तरफ होगा, मैंने सही डिमांड कर्व बनाया, ये D1 है, ये अल्टीमेटली D1 है। अब अगर D1 ये है, आप लोग देखो, अब सप्लाई और डिमांड का नया इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, तो मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? तो मैंने, मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है फिर कि इस सिनेरियो में जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस या नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिटरमाइन होगा, मतलब ये Q1 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, इफेक्ट तो आप लोग देख लिए, है भी बहुत इजी कंसेप्ट, सर ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बताइए सर आप। दोस्तों इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, और इसका लॉजिक को समझाने के लिए ना एक बार इसको छोड़ते हैं अपने, और नीचे की तरफ आकर एक ग्राफ में समझते हैं चीजों को, ठीक है ना, ठीक है, इसको अपने बॉक्स में समझते हैं। हाँ ये मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, क्योंकि ये वो, जब भी आप लोग एग्जाम में रिवाइज करने जाओ, मतलब एग्जाम में तो रिवाइज करके जाओगे ना,
तो याद रखिएगा ये वाला बॉक्स में जो मैं लिख रहा हूं वो आप देख लिए तो आपका ये चैप्टर खत्म, मतलब सिंपल प्राइस एप्लीकेशंस के बारे में और कुछ आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। सुनिएगा सुनिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ सर बताओ, होल्ड ऑन। देखो ये डिमांड और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है? मैं आप लोग को एक बात जो नहीं बताया था अब वो मैं बता दूं आप लोग को कि हमेशा क्या होता है ना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। हाँ सर ये बात तो करेक्ट है। अब आप लोग एक चीज देखो, अगर प्राइस, सुन लीजिएगा बाप, अगर प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा मार्केट में, आप समझो। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रहा तो मार्केट में क्या प्रॉब्लम होगा, आप समझो। देखो ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, करेक्ट? इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, देखो प्राइस जब P1 है तो आप लोग देखो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एक्सेस सप्लाई। कैसे सर? देखिए ये गैप नजर आ रहा होगा आप लोग को इस प्राइस पर, देखिए ना, अगर आप इसको सीधा एक्सटेंड करेंगे तो एक गैप नजर आएगा। जी हाँ सर ये गैप नजर आ रहा है, इस गैप को अपने बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सर आपको कैसे पता चला कि ये एक्सेस सप्लाई है? दोस्तों मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि देखो सप्लाई कर्व राइट की तरफ है, सप्लाई कर्व आगे की तरफ है, डिमांड कर्व पीछे की तरफ है। तो मतलब अगर प्राइस P1 आप चार्ज करते हो तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे। तो आप देखो नेचुरली क्या होगा, विथ टाइम क्या होगा, अगर गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे तो प्रोड्यूसर लोग को प्राइस कम करना पड़ेगा जिससे वो सेल कर सके बेसी। इवेंचुअली होगा क्या, जो प्राइस P1 है वो वापस अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम के नेचर में है, ये इक्विलिब्रियम का नेचर ही है कि वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इसीलिए उसका नाम इक्विलिब्रियम है। हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर मिस एडजस्टमेंट हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर मिस एडजस्टमेंट हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, अपने लोग यहां पर ये पढ़ने बैठे हैं। अच्छा सर बात तो सही है। सिमिलरली दोस्तों आप लोग एक चीज सोच के देखो, सिमिलरली दोस्तों आप लोग एक चीज सोच के देखो कि अगर आप नीचे में हो, मतलब अगर आप प्राइस P2 चार्ज करते हो, यानी कि ये यहां पर नीचे में, तो इस सिनेरियो में या इस प्राइस पर क्या होगा, इस क्योंकि प्राइस इतना कम है तो मार्केट में एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करेगा, दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग को दिखाई भी पड़ रहा है क्लियरली, हम लोग को दिखाई भी पड़ रहा है क्लियरली सर। बस दोस्तों ये लॉजिक है। अब अगर एक्सेस डिमांड मार्केट में राइज हुआ, सुनिएगा एक बार सोच के देखिए, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड राइज होगा, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड राइज होगा तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा डिमांड तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग प्राइसेस को बढ़ाएंगे जिससे वो एक्स्ट्रा जो डिमांड है वो खत्म हो जाए और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। अच्छा तो ये बात है सर, जी हाँ, तो अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्केट में रूल करेगा। सर सबको ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन दोस्तों, हाँ या ना बोलिए फटाफट, वेट कर रहा हूं रिस्पॉन्स का। फटाफट हाँ या ना बोलिए दोस्तों, वेट कर रहा हूं इसका। यस सर, हाँ सर वेरी गुड, बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आ जाए फटाफट। यस 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 जी सर, ओके यस सर। हाँ अब अपने लोग ऊपर में आ रहे हैं, यस। ये तो बस मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब मैं वापस वो वाला सिनेरियो में आऊं, अब मैं वो वापस ऊपर वाले सिनेरियो में आऊं। हाँ सर चलिए देखिए, अब आप लोग ये जो मैं इंक्रीज इन डिमांड आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था अब आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग सोचिए कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा तो आप लोग अग्री करोगे, अगर आप लोग अग्री करोगे कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा, ये था सिनेरियो पहले है ना PE पे, अब जब मार्केट में डिमांड बढ़ा तो वो एक एक्सेस डिमांड वाला सर्कमस्टेंस अराइज हुआ, और जब मार्केट में, सुनिएगा, एक्सेस डिमांड अराइज होता है, लिसन वेरी केयरफुली, नीचे में आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड अराइज होता है तो प्राइसेस क्या होता है, राइज होता है। यहां पर भी वही हुआ, यहां पर क्या अलग हुआ, यहां पर भी तो वही हुआ, यहां पर क्या अलग हुआ? ओ
तो इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ड्यू टू राइज इन डिमांड देयर इज एक्सेस डिमांड। हमेशा ये लिखना मत भूलिएगा कि कौन सा सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। तो देयर इज एक्सेस डिमांड लीडिंग टू राइज इन प्राइजेस, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात ये, और अब आप लोग को भी पता है कि अगर प्राइसेस बढ़ा है और डिमांड बढ़ा है तो सप्लाई पूरा का पूरा डिमांड, सप्लाई इतना नहीं बढ़ सकता कि पूरा का पूरा डिमांड सेटिस्फाई कर दे, बट सप्लाई भी तो कुछ हद तक बढ़ ही सकता है ना, इकोनॉमी में कुछ पोटेंशियल तो अभी भी है। तो आप बोल सकते हो क्वांटिटी विल राइज बाय स्मॉल अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आप लोग एक्सप्लेन करोगे, देखो आंसर लिखने का ना इकोनॉमिक्स में तरीका है, ग्राफ बना दिए, मेन बात बता दिए, उसके बाद अब आप क्या लिखोगे, सीधी सी बात है। मैं यहां पर नीचे में आपको लिख के दिखाता हूं कि आप पहले बोलोगे ओरिजिनल सिचुएशन कि डी एंड एस यूज टू इंटरसेक्ट एट ई, मतलब पहले का सिचुएशन। सो पीई वॉज इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब पीई इक्विलिब्रियम प्राइस होता था, राइट, एंड क्यूई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पूरा कहानी एक्सप्लेन करिए आप। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, अब इंक्रीज इन डिमांड बहुत मल्टीपल बहुत रीजन से हो सकता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अब बढ़ाओ, ऐसा हो सकता है कंज्यूमर का इनकम बढ़ाओ, ऐसे करके कितनी सारी चीजें हो सकती है ना। तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द प्राइसेस राइज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, जो कि आप लोगों ने देखा। फिर आप बताओ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इवन एंड बस न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी वन एंड क्वांटिटी इज क्यू वन, बस ये चीज एक्सप्लेन कर दो, तो पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया ना। आपने ग्राफ डिस्क्राइब कर दिया, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन की वजह से प्राइस राइज हुआ है, आपने ये बात बता दिया शुरुआत में, तो ये आपका आंसर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अच्छा अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा ये वाला कि देयर इज अ राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, स्टेट द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ऐसे करके अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो भाई देखो ऐसा है कि इनकम बढ़ा है तो देर इज अ राइज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट और डिमांड बढ़ा है तो ड्यू टू एक्सेस डिमांड द प्राइसेस विल राइज, ऑब्वियसली क्वांटिटी विल राइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दिस इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, जैसा कि मैंने ऊपर में आप लोग को आंसर पूरा का पूरा लिख कर डेमोन्स्ट्रेट किया है। सर बात तो सही है, सर आप बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, आई मीन ये कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना, इस तरह से अप्रोच करना है। अब इंक्रीज इन इनकम हो सकता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो करंट कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, राइट, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है जी हाँ सर। अब जैसे इंक्रीज इन डिमांड है वैसे ही अब अपने लोग को एनालाइज करना है डिक्रीज इन डिमांड, ओके गॉट इट सर। डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, डिक्लाइन इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ऐसे करके, है ना। तो आइए बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड का। दोस्तों ध्यान से देखिए आप, सर बताइए, ये है, पहले मैं ओरिजिनल सर्कमस्टेंस आपको बताऊं, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, है ना, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व और ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, ये ओरिजिनल सिनेरियोज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब सर हो क्या रहा है, अब सर आप लोग सुनिए हो क्या रहा है, देर इज अ फॉल इन डिमांड, देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आप लोग देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है नया इंटरेक्शन पॉइंट, वो है ये, बस खत्म हो गया ना। तो ये हो गया आपका पी वन नीचे की तरफ गिरा और ये क्यू वन,
और आप लोग को भी क्लियर है ठीक है, डिमांड कम हुआ है। अगर डिमांड कम हो जाता है तो आप लोग को पता है ऑटोमेटिकली सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होता है। देखो सप्लाई उतना ही है, डिमांड कम हो गया तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर ने तो खरीदना कम कर दिया आपसे, कंज्यूमर ने तो खरीदना कम कर दिया आपसे। सर बात तो सही है, सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, पहले तो इंटरेक्शन पॉइंट ई था, अब ई वन हो गया, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि देखो सर ड्यू टू, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रहा है। यस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, प्राइस क्या हुआ है? प्राइस हैज फॉलन, व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई, देयर हैज बीन एक्सेस सप्लाई। याद रखना एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, अगर ये वर्ड नहीं है आप एक नंबर खो दोगे। देयर हैज बीन एक्सेस सप्लाई, और जब भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई होता है, आप लोगों को मैं बताया था, प्राइसेस फॉल, जिससे वो एक्सेस सप्लाई बेचा जा सके। देयर हैज बीन एक्सेस सप्लाई लीडिंग टू फॉल इन प्राइस, और ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी इज फॉलिंग बिकॉज डिमांड कम हुआ है तो क्वांटिटी विल फॉल। अरे सप्लायर लोग क्या प्रोडक्शन बढ़ा देंगे? ऑब्वियसली कम कर देंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्वांटिटी विल नेचुरली फॉल, क्वांटिटी विल फॉल। ये आपने मेन बात बता दी, ये मेन बात आपने बता दी। अब फिर ओरिजिनली सारा बात बताइए ना कि डी एंड एस वेयर द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एंड नाउ डी वन इज द न्यू डिमांड कर्व विच हैज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स, ऐसे करके ये सारी बातें बताओ आप। मैं ये सारी चीजें दोबारा लिख कर दिखा सकता हूं, बट आई बिलीव दैट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम माइन एंड योर्स। सर बात तो ठीक कहते हो आप, सर बात तो ठीक कहते हो आप, बस एक बार याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगा। सर कैसे? आपको एग्जाम में दे दिया कि देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्टेट इट्स इंपैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यार आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आप पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, और अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स गिरता है तो जो करंट गुड्स है उसका डिमांड गिरेगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स चिपर बन गया है, और अब डिमांड कम हुआ है तो अब आपको ये कर्व बनाना है। समझ रहे हो आप? ये जो आप कर रहे हो ये आपका सेकेंडरी नॉलेज है, प्राइमरी नॉलेज आपका डिमांड और सप्लाई में है। अच्छा सर ये बात तो हमें समझ में आया, इसीलिए आइए मैं एक बार आप लोगों को कुछ रीजंस बता दूं जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज आ सकता है। ध्यान से देखें आप लोग, इंक्रीज इन डिमांड और फिर डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी। हाँ सर, अब आप लोग एक चीज सोच के देखो, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? क्यों होगा, मतलब ये अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनकम बढ़ना। सारा तो नहीं करवाया जा सकता लेकिन कुछ मैं बता सकता हूं, इनकम घटना, इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा होता है इसलिए लोग हमारा कमोडिटी खरीदते हैं, इसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स घटता है। वैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में जाता है, और इसमें जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है ऑफ द प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट जाता है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट जाता है, मीन टू से। ये सारे फैक्टर्स है, ये ऐसे करके काफी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को। सर बात तो आपकी क्लियर है, बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों आप लोग इसी चीज को सप्लाई के साइड से सोचिए, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। स्टफ इज वेरी इजी, इट्स जस्ट कि सोचने का तरीका मैं आप लोग का फ्रेम कर रहा हूं। इंक्रीज इन सप्लाई, अब आपसे पूछा कि भाई सप्लाई इंक्रीज हो गया, बता इसका क्या इंपैक्ट होगा, आप लोग से यही पूछेगा ना कि भाई सप्लाई इंक्रीज हो गया बता इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो अपने को यह सोचना पड़ेगा। और मैंने हमेशा आप लोगों को क्या कहा है, क्या इंपैक्ट है वो बात का बात है, सबसे पहले हमारा धर्म क्या है कि ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाइए, जो कि कर रहे हैं अपने लोग। एक बात और, पहले ये बना लेते हैं ओरिजिनल, फिर बात करते हैं, ये डिमांड और ये सप्लाई, करेक्ट जी हां सर, और इन लोग का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो यहां हो रहा है। सर बेहतर, जी हां बिल्कुल, ये ओरिजिनल सिचुएशन बना के हम लोग चुपचाप बैठ गए,
अब सुनिएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब आप लोग को यह सोचना है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है। सर किस वजह से होता है आप ही बताओ। मैं बोला यार देखो आप लोग, अब आप देखो, अब मेरा दिमाग किस पे चला गया, अब मेरा दिमाग चला गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पर। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? और याद रखिएगा, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कभी भी नहीं कंसिडर होगा, बिकॉज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से शिफ्ट नहीं होता है, मूवमेंट होता है अलोंग द सेम कर्व। करेक्ट? जी हाँ सर, करेक्ट। तो कहना क्या चाहते हैं सर आप? मैं कहना यह चाहता हूं कि फिर और क्या है। आज आप सोचो, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, आज गवर्नमेंट ने मेरे को सब्सिडी दी, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट का दाम कम होगा। सब्सिडी देना मतलब कि जो मेरा खर्चा लग रहा है उसमें से कुछ खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रहा है, तो मेरा कॉस्ट तो कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो मेरा सप्लाई भी नेचुरली बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई किसकी वजह से हो सकता है? सबसे पहला गवर्नमेंट सब्सिडी, और बताइए दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होना, जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उनका कॉस्ट कम होना। ऐसे करके कितने सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, राइट? ऐसे करके कितने सारे फैक्टर्स हैं, टैक्स रेट्स का कम होना, जैसे जीएसटी और ये सब चीज लगते हैं, वो सब चीज का कम होना, ये सारी चीजें मेरा सप्लाई इंक्रीज करेंगी। अब आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं, हमेशा सप्लाई का, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट होगा वो तो बात का बात है। सबसे पहले आप ओरिजिनल सिचुएशन जैसा कि मैंने बनाया यहां पर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लिख के वो आप बनाइए। अब इंक्रीज इन सप्लाई है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ये देखिए राइटवर्ड शिफ्ट दिखाया मैंने, देखिए ना ये राइटवर्ड शिफ्ट ही तो दिखाया मैंने। हाँ सर नजर आ रहा है हमें। बस फिर क्या होगा, अब आप लोग का ये जो है ये नया सप्लाई कर्व है S1 S1, और ये इंटरैक्ट कहां कर रहा है डिमांड के साथ? अगर आप लोग देख रहे हो तो ये इधर इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये इधर आ गया। ओह अब आप लोग यहां पर एक यूनिक चीज देखोगे, यहां पर आप लोग एक यूनिक चीज देखोगे, और वो यूनिक चीज क्या है कि क्वांटिटी तो बढ़ गया लेकिन प्राइस कम हो गया। आप लोग बोलोगे ओ माय गॉड इट इज सो सरप्राइजिंग, इट्स नॉट। आप लोग बोल रहे हो इट इज सो सरप्राइजिंग बट इट इज नॉट। अरे क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में बोला है कि भाई सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड सेम है। अरे तो जब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये बात तो तय है कि क्वांटिटी इंक्रीज होगा, वही हुआ यहां पे Q1 से Q1 पे गया, उसके बारे में कुछ सरप्राइजिंग ही नहीं है। अब आप लोग सोचो डिमांड उतना ही है, सप्लाई बढ़ गया, तो सिनेरियो ऑफ एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेस सप्लाई कब क्रिएट होगा सोच के देखो, क्या तो जब डिमांड सेम रहा और सप्लाई इंक्रीज कर दे तो एक्सेस सप्लाई होगा, या फिर जैसा हम लोगों ने पहले किया है कि सप्लाई सेम रहा डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गया। यहां पर इंक्रीज इन सप्लाई है तो ऑब्वियसली एक्सेस सप्लाई होगा, और जब भी एक्सेस सप्लाई होता है इन ऑर्डर टू सेल दैट एक्सेस सप्लाई प्राइसेस क्या होता है रिड्यूस, इस वजह से यहां पे प्राइसेस फॉल हुआ है। ओ माय गॉड सर ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है। जी हां बिल्कुल। तो आप लिखोगे ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई देर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। हमेशा सिचुएशन बता दो टीचर को, टीचर को भी खुशी होती है कि चलो कीवर्ड इन इसने पहले ही लिख दिया है, इसको नंबर दो पूरा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ दोगे बाकी लिखना है। देर इज एक्सेस सप्लाई, दिस रिजल्ट्स इन राइज इन क्वांटिटी एंड फॉल इन प्राइस। प्राइस क्यों गिरता है? बिकॉज एक्सेस सप्लाई है तो एक्सेस सप्लाई को बेचना है, और वो एक्सेस सप्लाई को बेचने के लिए प्राइसेस रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब आप फिर ओरिजिनल सिचुएशन डिस्क्राइब करो कि इनिशियली डी एंड एस इंटरसेक्ट एट ई गिविंग P1 एंड E1, यानी कि सॉरी Q1 एक्चुअली PE एंड QE, क्योंकि मैंने PE और QE लिखा है ना। हाँ सर, गिविंग PE एंड QE एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, फिर आप बताओ कि इवेंचुअली सप्लाई राइजेस लीडिंग टू राइटवर्ड शिफ्ट एंड देन फिर क्या क्या हुआ वो बस अब बता दो जो मैंने ऊपर लिखा। समझ आया आप लोगों को? सर इस तरह से आंसर्स फ्रेम होते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? हाँ सर, ये इंक्रीज इन सप्लाई वाला सिनेरियो था। एक बार के लिए टू एंड द क्लास मैं आप लोग को डिक्रीज इन सप्लाई भी बता दूं, जिससे एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो सब भी अपने प्रैक्टिस करेंगे,
प्राइस सीलिंग और प्राइस रैशनिंग भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट पहले एक बार सप्लाई वाला एस्पेक्ट भी अपने लोग समझ लेते हैं ना। नंबर फोर, डिक्रीज इन सप्लाई। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में, तो केवल इतना जानने लायक है कि यहां पर देखो ये है, यहां पर ये है सर, बिल्कुल है। अब आप लोग देखो यहां पे ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, हमेशा ओरिजिनल सिचुएशन को पहले हिट करिए आप, ओरिजिनल ओरिजिनल करेक्ट। जी हां सर, ये सप्लाई। अब आप लोग तो बोर होने लग गए होगे कि सर ये सब चीज तो अब हम लोग को ऐसा लग रहा है बाएं हाथ का खेल है हमारे, तो बस ठीक है लिख देना एग्जाम में बाएं हाथ से क्या फर्क पड़ता है। सुनो अभी आप लोग, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब दोस्तों हुआ क्या, देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई। अरे अगर सप्लाई डिक्रीज हुआ है दोस्तों, अगर सप्लाई डिक्रीज हुआ है दोस्तों, तो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यस और नो? हां सर बात तो सही कहते हो आप कि सप्लाई अगर डिक्रीज हुआ तो देयर इज अ लेफ्टवर्ड। सप्लाई डिक्रीज क्यों हुआ, क्या पता गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ गया हो, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा था वो कम हो गया हो, रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस वेजेस ये सब बढ़ गया हो लेबर का, तो जो भी है ऐसा बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो सकता है, एंड एज अ रिजल्ट अपने लोग का जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड आप लोगों को नजर आना चाहिए। हाँ सर नजर आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग एक चीज देखो, जब शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड तो नया इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का यहां हो रहा है, और कोई इसमें वैसी बात है ही नहीं कि सर कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है, ऑब्वियसली नहीं। देखो क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, तो सप्लाई कम हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो रहा है, राइट? और सप्लाई कम हो रहा है तो सिचुएशन क्या चीज का राइज कर रहा है, एक्सेस डिमांड का। क्योंकि देखो डिमांड सेम है, सप्लाई पहले डिमांड और सप्लाई सेम था, अब ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब अगर सप्लाई कम हो गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या राइज हो गया, मार्केट में अब ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड राइज हो गया। एक्सेस डिमांड को काउंटर कैसे करते हैं, प्राइसेस बढ़ा के, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुआ। ओह तो यहां पे क्या सिचुएशन अराइज हुआ, एक्सेस डिमांड का। और आप लोग को अब लिखने का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता। ऑल राइट देन दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने लोग हमारे लास्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्लास नंबर 2 किए थे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने दो चीजें की। पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने जो मार्केट्स के ग्राफ्स होते हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया या परफेक्ट कंपटीशन हो गया, वी हैव डिस्कस्ड दिस ग्राफ्स, है ना, अपने लोगों ने इस ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया। ये था पार्ट नंबर 1। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उसी क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट के क्लास नंबर 2 में ही स्टार्ट कर दिया था एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम, या जिसको एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं, या जिसको प्राइस एप्लीकेशन नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। जी हाँ सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है इसको आप लोग बोल सकते हो कि इस टॉपिक पर क्लास नंबर 2 है। इस टॉपिक पर क्लास नंबर 1 हम लोग कहां किए थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लास नंबर 2 में, जहां पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म हुआ था और साथ साथ में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लास नंबर 2 खत्म हुआ था और साथ साथ में हम लोगों ने ये चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल सर। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी, अपने लोगों ने पढ़ी कि कैसे डिमांड और सप्लाई कर्व, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, अपने लोगों ने पढ़ा कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। और जब अपने लोग ये पढ़े कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आता है, राइट? अपने लोगों ने यह पढ़ा था, राइट, कि जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा। लेकिन फिर हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये जानना था कि मान लीजिए डिमांड में चेंजेस आया, चेंजेस वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज आया, या फिर सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो वो चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड के बारे में पढ़ा था कि जब डिमांड इंक्रीज होता है, सुनिएगा, जब डिमांड इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, लिसन केयरफुली दोस्तों, जब डिमांड इंक्रीज होता है सप्लाई रिमेनिंग द सेम, सिचुएशन किस चीज का क्रिएट हो जाता है, एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड का। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ता है, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाता है। ये हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड में पढ़ा था, राइट? फिर जब डिक्रीज इन डिमांड होता है तो क्या होता है, एक्सेस सप्लाई हो जाता है, तो प्राइसेस कम होता है, क्वांटिटी फॉल होता है, राइट? ये हो गया था चेंज इन डिमांड।
फिर हम लोगों ने पढ़ा चेंज इन सप्लाई के बारे में, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ाई की, हम लोगों ने ये पढ़ाई की कि अगर सप्लाई इंक्रीज होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई का कंडीशन सिचुएशन अराइज हो जाता है। सर ये बात तो आप सही कहते हो, एक्सेस सप्लाई वाला सिचुएशन अराइज हो जाता है। अब जब एक्सेस सप्लाई वाला सिचुएशन अराइज होता है तो आप लोगों को क्या पता है, क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई बेसी है, लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट लेकिन है कि प्राइसेस जो है, बिकॉज देयर इज एक्सेस सप्लाई, प्राइसेस हैव टू फॉल, करेक्ट। और वैसे जब रिड्यूस सप्लाई है तो रिड्यूस सप्लाई है तो क्वांटिटी तो फॉल हो ही रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्वियस सा बात है डिक्रीज इन सप्लाई में। लेकिन सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब डिमांड एक्सेस होना, क्योंकि सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो उतना ही है, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइसेस राइज। ये चार कंडीशंस, ये चार कंसेप्ट दोस्तों हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था। आप लोग सबको क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन दोस्तों, हाँ या ना बोलिए फटाफट। जी सर, हाँ सर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, क्या दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि इन रियलिटी क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन रियलिटी क्या होता है। ऐसा है क्या कि जब डिमांड चेंज होगा तो सप्लाई चेंज नहीं होगा, या सप्लाई चेंज होगा तो डिमांड चेंज नहीं होगा? अरे नहीं, हम साथ साथ है, मतलब डिमांड और इन रियल वर्ल्ड डिमांड और सप्लाई साथ साथ चेंज होता है। तो बस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इस ब्रॉड कैटेगरी, इस ब्रॉड हेड के अंदर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं, अपने लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साइमल्टेनियस चेंजेस मतलब एक साथ। अब जब डिमांड एंड सप्लाई में दोस्तों सोचिए एक बार, साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब समझ रहे हो? पहले हम लोग अभी जो चार केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें क्या हो रहा था कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई वहीं का वहीं है, वैसे ही अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है या सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड वही का वही है। लेकिन अब हम लोग वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अब अपने लोग दोनों को डांस करवाएंगे, अब अपने दोनों को डांस करवाएंगे, मतलब दोनों चेंज होगा डिमांड एंड सप्लाई। तो अब यार अगर ऐसा डांस है तो ऐसा कितना तरीका का डांस हो सकता है? ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा थ्री तरीका का डांस हो सकता है। सर क्या, जरा बताइए। पहला, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब दोनों डिमांड और दोनों सप्लाई, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, पहली बात, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड भी कम हो रहा है सप्लाई भी कम हो रहा है। और एक तीसरी बात, तीसरी बात उल्टा चेंज, मतलब समझ रहे हो, मतलब डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई घट रहा है, और डिमांड घट रहा है सप्लाई बढ़ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि यार इतनी सारी कैटेगरीज है सर, तो ये काफी टफ होगा। नहीं, शुरुआती दो या तीन डिस्कशन में हो सकता है आप लोग अनकंफर्टेबल फील करें, फिर मैं बता रहा हूं आपको, मैं खाली ये केस कवर करवाऊंगा, सुनिएगा, आप लोग का ये और ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दोनों से दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि फिर बाकी सारा केसेस आप लोग यहां पे ऑटोमेटिकली खुद बना लोगे। इसका मेन चीज है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट का कि सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए आप लोग, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी फर्दर सब डिविजन हो सकते हैं। सर और क्या सब डिविजन हो सकता है? अरे भाई, आपने अभी ये पढ़ाई की कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज होगा, बट ऐसा हो सकता है ना कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो चेंज इन डिमांड है वो चेंज इन सप्लाई से ग्रेटर हो, मतलब इंक्रीज इन डिमांड है, मतलब दोनों में इंक्रीज है, बट इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसा हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। ओ सर, वैसे ही इधर पे भी हो सकता है, वैसे ही इधर पे हो सकता है। आप लोग सोच रहे हो कितना केसेस पॉसिबल है, आप लोग को लगेगा यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आज की क्लास में ही आप सब सीख जाओगे। द की ट्रिक इज टू फोकस ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं है? सुनिएगा,
डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, तो डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में भी ऐसा हो सकता है कि जो डिक्रीज इन डिमांड है, डिमांड जो परसेंटेज से घट रहा है, डिमांड जो परसेंटेज से घट रहा है वो सप्लाई से कम हो, या फिर सप्लाई ज्यादा परसेंटेज से घट रहा हो, या फिर दोनों बराबर परसेंटेज से घट रहा हो, या फिर दोनों बराबर परसेंटेज से घट रहा हो। और सेम इधर पे भी वैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जो डिमांड जिस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब यही सेम केसेस यहां पर भी तो हो सकता है, समझ रहे हो आप? तो जी हाँ, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। आइए समझते हैं, आइए अपने लोग समझते हैं मित्रों। आइए दोस्तों, टॉपिक है, सबसे पहले मैंने लिखा साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ, मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। और जहां पे मैंने मैंने कौन सा केस कवर किया, व्हेन दे चेंज बाय सेम परसेंट, व्हेन दे चेंज बाय या व्हेन दे इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज, इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। अच्छा याद रखिएगा, इंक्रीज वर्ड हो रहा है, मूवमेंट वर्ड यूज नहीं हो रहा है, मूवमेंट वर्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है, मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये अदर फैक्टर्स है। खैर जो भी है, अब आइए मैं आपको ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट करूं। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम में कोई भी डायग्राम आ जाए डिमांड एंड सप्लाई का, आपका पहला पहला जो बेसिक मॉडल जो बोलते हैं ना, बिल्डिंग का बेसिक ढांचा, वो सेम रहने वाला है। अपने को ये सीजर बनाना है, मतलब ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल सप्लाई कंडीशन, बस खत्म। ये अपने लोग को ओरिजिनली बनाना है, इतना आप लोग जान लिए तो आपका खत्म सम। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो बेसिक जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको करना है। ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ये ओरिजिनल सिचुएशन है। अब आपको क्या बोला कि जो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं वो लोग सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे हैं, ये लोग अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे हैं, अब आप लोग को ये बात बेसिकली मालूम है कि ये सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मान लीजिए डिमांड कर्व शिफ्ट होके यहाँ आया, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि दोनों के बीच में ये जो डिमांड वन और डिमांड टू के बीच में गैप है, ये जैसे डी वन लिख दिया मैं इसको, तो ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, इस गैप को मेजर कर लीजिएगा। जैसे मैं भी मेजर कर लिया, ये गैप इतना है मेरे पास, ठीक है ना। सर ये मेजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली इतना से ही सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा ना आप लोग को, तो बस वैसे ही सप्लाई को भी मैं इधर पे रख के बढ़ा रहा हूं, तो अल्टीमेटली सप्लाई कर भी जो है एकदम सेम अमाउंट से बढ़ेगा, सप्लाई कर भी है जो एकदम सेम अमाउंट से बढ़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सेम अमाउंट से बढ़ेगा। तो सुनिएगा दोस्तों, तो होगा क्या, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा दोस्तों, ठीक है, होगा कुछ ऐसा दोस्तों कि ये देखिए, ये S1 आ गया, ये S1 आ गया। अब मजे की बात है कि अब डिमांड और सप्लाई, रेड वाला देखिए, रेड वाला इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन मजे की बात आप एक देखोगे सर, वो क्या, अगर मैं एक्सटेंड करूं, अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आप लोग पाओगे कि प्राइस हैज रिमेन्ड द सेम, द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। ओ, और देखो क्वांटिटी बढ़ा है, ये कोई सरप्राइज है ही नहीं आप लोग के लिए, है क्या सरप्राइज? अरे अगर डिमांड भी बढ़ रहा है, सुनिए, अगर डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो ये बात तो तय है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा जब दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही है। बट देखिए मजे की बात, क्योंकि दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है, इस वजह से प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। क्योंकि याद रखना, याद रखना, मैं बता दूं सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि प्राइस में बदलाव तभी आता है जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई का सिनेरियो पैदा हो। अगर एक्सेस डिमांड होगा, अगर एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइसेस राइज होंगे, एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइसेस, जी हाँ बिल्कुल, फॉल होंगे। लेकिन यहां पर ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, दोनों सेम से बढ़ गए तो बस बात खत्म। 10 बच्चे थे, 10 चॉकलेट खाते थे, अब 15 बच्चे हैं, 15 चॉकलेट है, तो प्रॉब्लम क्या है? ओ सर पता है, तो सर इसको लिखना कैसे है आंसर को? हमेशा की तरह मैं एक मॉडल आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि आप लोग लिखिएगा, इनिशियली डी एंड एस इंटरसेक्ट एट ई, मतलब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई, गिविंग गिविंग पीई एन क्यू ई एस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी लिखा ये बात मैंने। हाँ सर लिखा हमने ये बात। उसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, फिर अपने लोग उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि व्हेन दे चेंज बाय सेम परसेंटेज, व्हेन दे इंक्रीज बाय सेम परसेंट,
दे शिफ्ट राइट, दे शिफ्ट राइट, मैं आपको आंसर लिखने का कला भी बता रहा हूं, है ना, दे शिफ्ट राइट टू डी वन एंड एस वन रेस्पेक्टिवली लिखा। अब आप अल्टीमेटली लिख दीजिए क्या कंक्लूजन हुआ। देखिए यहां पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई तो हुआ नहीं, तो आप बस लिखोगे एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब है आपने ग्राफ के बारे में सारी चीजें वो बता दी जो टीचर ढूंढ रहा है, बस खत्म, बात खत्म हो गया ये आंसर। ओ सर बात समझ में आया, इजी था दोस्तों, इजी था, यस और नो बोलना पड़ेगा, इजी था कि नहीं था, यस सर इजी था बोलना पड़ेगा सबको, बोलो 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 फटाफट, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, बताओ दोस्तों फटाफट। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स, चलिए दूसरा केस। अब आइए दोस्तों दूसरा केस के बारे में अपने लोग पढ़ाई करें, है ना जी सर। अब दोस्तों अपने लोग बोलेंगे कि व्हेन, अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब अपने लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि जब सप्लाई जो है, जब सप्लाई जो है वो फास्टर रेट से इंक्रीज करता है, क्या जो सप्लाई है वो फास्टर रेट से इंक्रीज करता है, समझ आया दोस्तों? जी हाँ सर समझ में आया। तो व्हेन इंक्रीज दोनों हो रहा है, इंक्रीज दोनों हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इंक्रीज दोनों हो रहा है, बट अब सप्लाई जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट देन डिमांड, सुनिएगा इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये डिस्कशन जब खत्म हो जाएगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, एक प्राइस सीलिंग और एक प्राइस फ्लोर, इनमें से एक क्वेश्चन पांच नंबर का पक्का समझ लीजिए आप। जी हाँ पांच नंबर का पक्का आता है, लेकिन उसके लिए अपने को यह समझना जरूरी है, ठीक है ना। आइए, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एट अ ग्रेटर रेट देन डिमांड, ठीक है ना, सीधी सी बात है, इंक्रीज दोनों हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट तो दोनों का होगा, बट सिनेरियो को प्रेजेंट करना अपने को आना चाहिए। आज आप लोग देखो हमेशा की तरह मैंने आप लोग को क्या कहा, ये आप लोग अपने प्रोग्राम में फिट कर लीजिए कि सर ऐसा आएगा तो सबसे पहले तो प्राइस और ये जो कैची है मतलब ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई है वो हम लोग बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग और कोई बात करेंगे। मैं बोला वेरी वेरी गुड, मैं बोला वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों देखो ये है डिमांड और ये है सप्लाई, बराबर, जी हाँ सर। अब आप लोग देखो ये आपका ओरिजिनल कंडीशन है, ये आपका ओरिजिनल कंडीशन है, जी हाँ सर है ओरिजिनल कंडीशन, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी। अब सर ये लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एट अ ग्रेटर पेस, तो यार अगर सप्लाई इंक्रीज कर रहा है एट अ ग्रेटर पेस तो ज्यादा शिफ्ट करिए ना सप्लाई को, ये देखिए सप्लाई एस वन पे शिफ्ट हो गया और डिमांड, देखो डिमांड भी इंक्रीज होगा बट एट अ लेसर पेस इंक्रीज होगा, तो डिमांड को भी इंक्रीज करिए बट कम से इंक्रीज कीजिए, देखिए कम से इंक्रीज किया, दोनों डिमांड कर्व्स के बीच का गैप देखिए और दोनों सप्लाई कर्व्स के बीच का गैप देखिए, हाँ सर क्लियरली नजर आ रहा है, ये देखिए ना ये गैप कितना ज्यादा है कंपेयर टू ये गैप। सर बात तो सही है, बात तो बेहतर है, बस है राइटवर्ड शिफ्ट दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान आप देखो राइटवर्ड शिफ्ट है, करेक्ट। अब इसका इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, डी वन और एस वन का, अगर आप लोग कायदे से देखो तो वो यहां हो रहा है। पहले तो एक बात बताओ, शॉकिंग क्या नहीं है, शॉकिंग ये नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ेगा, अरे अगर डिमांड भी बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है तो ये बात का शॉक क्यों लग रहा है आपको कि क्वांटिटी क्यों बढ़ रहा है, अरे डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है तो नेचुरली क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज सर। लेकिन 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 मजे की बात है कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएगा, इसका भी शौक आप लोग को नहीं लगना चाहिए, पता है क्यों, क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम लोग समझ चुके हैं कि अगर सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू डिमांड तो एक्सेस सप्लाई डोमिनेट करेगा मार्केट में, और जब भी प्राइस से जब भी सप्लाई एक्सेस होता है, जब भी मार्केट में सप्लाई एक्सेस होता है प्राइसेस हैव टू फॉल, इस वजह से प्राइस गिरा। सर यार ये तो बहुत ईजी है, मैं बोला हाँ बस अपने को प्रेजेंट रहना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस सेम चीज मैं पहला पैराग्राफ तो आप लोग को लिख के नहीं बता रहा, अगेन मैं दूसरा पैराग्राफ भी आपको लिख कर नहीं बता रहा, तीसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि देर इज अ सिचुएशन ऑफ, पहला दो पैराग्राफ सेम कि ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कंडीशन क्या है, उसके बाद बस यही देर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई
एज सप्लाई इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट, एज सप्लाई इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट लीडिंग टू फॉल इन प्राइस लेवल्स या इक्विलिब्रियम प्राइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ये लास्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए। याद रखिएगा एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड वर्ड अगर है तो आप लिखो, मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड तो मैं नहीं लिख पाया, ठीक है ना, बट यहां पर लिखना कंपलसरी है सर, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तीसरा अब मैं दिखाऊंगा, देखिए इंक्रीज का अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो डिक्रीज का फिर मैं एक सिनेरियो आपको दिखाऊंगा और आप लोगों को चीजें कंफर्टेबल हो जाएगी, राइट। तो मैं एक तीसरा सिनेरियो दोस्तों आप लोगों को दिखा दूं इंक्रीज का ही कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एट अ फास्टर पेस। मेरे को एक बात बताओ आप लोग बिना ड्रॉइंग के, अब तो आप लोग को इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि बिना ड्रॉइंग के आप लोग मेरे को बताओ कि क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा, ये बात आप लोग सब बताओगे फिर मैं आगे लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि जब डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है बट डिमांड फास्टर पेस पे इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या होगा, ये बात आप लोग बताओगे अब, वो भी बिना डायग्राम बनाए। बताओ डायग्राम बना के तो मिल ही जाएगा, बिना डायग्राम के भी आप लोग बता पाओगे, बताओ। आंसर दो फटाफट आप लोग। बताएं आप लोग, हाँ वेरी गुड, अब आंसर आना स्टार्ट हुए, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, अभी तक 10 लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। देखो दोस्त कैसे ये लोग कैसे सोच रहे हैं जो सही आंसर दिए वो मैं बताऊं। देखो इन लोग बोल रहे हैं कि देखिए सर डिमांड इंक्रीज हो रहा है एट अ फास्टर रेट देन सप्लाई, हाँ सर मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है, मैं बोला हाँ, तो सर क्वांटिटी बढ़ गया, मतलब ये बात तय है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, यस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी ये बात तय है, वेरी गुड इंक्रीज, हाँ सर। अब एक दूसरी बात क्योंकि डिमांड फास्टर पेस पे इंक्रीज कर रहा है तो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज होगा, और क्योंकि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अराइज होगा तो प्राइसेस विल राइज, इसका मतलब इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों बढ़ेगा। वाओ सर, बस अब अपने लोग को फॉर फॉर्मेलिटी ये बना के दिखाना है, ये मैं यहां पर ही बना के दिखा दे रहा हूं बिकॉज वी हैव स्पेस, ठीक है कि नहीं है, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, करेक्ट जी सर करेक्ट है। अब आप लोग देखें ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये ओरिजिनल सप्लाई ये ओरिजिनल डिमांड। अब जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है एट अ लार्जर पेस, यस तो दोस्तों ये देखिए ये ज्यादा तेजी से बढ़ा, ये भी बढ़ा बट ये हौले हौले बढ़ा, ये उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, तो यानी कि ये D1 हो गया और ये S1 हो गया, करेक्ट जी सर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया, तो आप लोग देखो प्राइस बढ़ गया तो प्राइस PE से P1 की तरफ चला गया, वैसे क्वांटिटी QE से Q1 पे चला गया। तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है ये क्या है, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट मेट्स? जी सर एब्सोल्युटली राइट। तो भाई बात सिंपल है कि व्हेन डिमांड इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन सप्लाई, जब डिमांड फास्टर रेट से इंक्रीज कर रहा है कंपेयर टू सप्लाई, तो आप लोग सीधी सी बात है देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, क्वांटिटी राइजेस एज वेल एज प्राइस राइजेस, बस बात खत्म, बाकी आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करना आप लोगों को पता है, एज वेल एज प्राइसेस राइज, करेक्ट जी हाँ सर एब्सोल्युटली करेक्ट, जी हाँ सर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सर डिक्रीज का मैं सिर्फ एक सर्कमस्टेंस आपको दिखा दूं,
अब मैं आप लोगों को डिक्रीज का सिर्फ एक सर्कमस्टेंस दिखा दूं, जिससे क्या है कि अपने लोग थोड़ा सा फास्टर पेस पे मूव कर सके क्लास के अंदर, है ना। हाँ सर, जैसे लेट्स से व्हेन, मान लीजिए आ गया व्हेन डिमांड फॉल्स एट अ फास्टर पेस देन सप्लाई, एट अ फास्टर पेस देन सप्लाई देन सप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली स्पीकिंग आप लोग समझ रहे हो, इसका मतलब डिक्रीज इन डिमांड, जो डिमांड में डिक्रीज है वो सप्लाई में भी डिक्रीज है, बट डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड 10% से कम हो रहा है तो सप्लाई 4 या 5% से कम हो रहा है, कम दोनों हो रहा है। तो अब जब दोनों कम हो रहा है तो एक चीज क्या है जो सरप्राइजिंग नहीं है कि क्वांटिटी कम होगा, एक चीज क्या है जो सरप्राइजिंग नहीं है कि क्वांटिटी कम होगा, करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट। अब आइए इसका ग्राफ देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्राइस का भी आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो, बताओ कैसे। देखिए कहीं ना कहीं जो समझ में आया, डिमांड अगर जोर से गिर रहा है और सप्लाई धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि ग्रेटर कौन रह गया अल्टीमेटली, ओवरऑल में देखे तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से मार्केट के अंदर, क्योंकि डिमांड तो बहुत तेजी से गिर गया, करेक्ट, बट सप्लाई धीमे धीमे गिरा, बट सप्लाई धीमे धीमे गिरा। आप लोग ऐसे सोचो, मान लीजिए 1000 यूनिट्स मार्केट में बिक रहा है, डिमांड 20% से गिरा, तो मतलब डिमांड 200 यूनिट से गिर के कितना हो गया 800 यूनिट, सप्लाई 10% से गिरा तो सप्लाई 100 यूनिट से गिर के कितना हो गया 900 यूनिट। तो सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सप्लाई 900 और डिमांड 800 है। ओ सर ये तो बेहतर समझाया आपने, मैं बोला हाँ मेरे को मालूम है सर। चलिए सर फिर आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब करना क्या है, अब आप लोगों को करना क्या है, ये डिमांड और सप्लाई का ओरिजिनल कंडीशंस बनाइए आप, है ना, ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गया, बेहतर। और बताइए सर आप, अब बात ऐसा है कि जब डिमांड फॉल्स एट अ फास्टर पेस देन सप्लाई, मतलब देखो डिमांड ज्यादा तेजी से गिरा, सप्लाई भी गिरेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो सप्लाई में भी आएगा, इसका भी टाइम आएगा बट कम से। तो देखिए D1, देखिए ये हो गया अपने लोग का D1 जो कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, सप्लाई का भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है S1, बट अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए आप, ये यहां पर है जहां पे मैंने रेड मार्क किया है, करेक्ट? जी हाँ सर। तो ओवरऑल क्या हो गया आप लोग देख लीजिए, ओवरऑल आप लोग के सामने क्लियर है। पहला कंडीशन क्या था, जो पहला सिनेरियो था उसके अंदर ये था E1, तो ई था, तो आप लोग बोल सकते थे पहले कंडीशन के अंदर कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस था और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था, है ना, ये PE था और ये QE था। और अब दोस्तों क्या हो गया, PE भी गिर गया P1, क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो गया ना मार्केट के अंदर, एक्सेस सप्लाई हो गया ना, और दोनों ही डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी तो गिरेगा ही। तो बस वही सीधी सी बात है कि सिंस बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज कॉमा क्वांटिटी फॉल्स। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब क्योंकि सिंस डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड ज्यादा तेजी से गिर रहा है, सिंस डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड ज्यादा से गिर रहा है कंपेयर टू सप्लाई, एज अ रिजल्ट एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस फॉल्स, एज अ रिजल्ट एक्सेस सप्लाई सो प्राइसेस फॉल, बात खत्म पैसा हजम, सो प्राइसेस फॉल, बात खत्म पैसा हजम। दोस्तों आप लोग सबको क्लियर है, येस और नो फटाफट बोलिए, आप लोग सबको क्लियर है येस और नो फटाफट बोलिए। मैं फिर वो वाला चेंज दिखाऊंगा, अभी तक तो क्या चल रहा था कि दोनों इंक्रीज हो रहा है या दोनों डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज में फर्क था, अब उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगा सप्लाई घटेगा या वाइस वर्सा। अब अपने लोग वैसा सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करेंगे। खैर तब तक ये बताइए कि आप लोग को अभी जो हमने बताया वो क्लियर है क्या? तो इसका हेडिंग देंगे अपने लोग अपोजिट चेंज। यस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड सर। अब आप आगे बढ़ाइए बात को, मैं बोला ओके बात को आगे बढ़ाते हैं। लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ जी सर बताएं आप दोस्तों, अब क्या सिनेरियो अपने एनालाइज करने बैठे हैं यहां पर, कि मान लीजिए डिमांड बढ़ा सप्लाई घटा, करेक्ट, या फिर डिमांड घटा सप्लाई बढ़ा, परसेंटेज में फर्क आएगा। अब इसका भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकता है, बट ये स्टुपिडिटी है अगर आप सोच रहे हो कि आप लर्न कर पाओगे, नहीं कोई नहीं लर्न कर पाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और अगर मैं यहां पर लर्न करने बैठा हुआ होता, लर्न करके बैठा होता, तो मैं भी नहीं करवा पाता सच बताऊं तो। इसीलिए आप लोग केस टू केस बेसिस पर सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब जैसे मान लीजिए पहला सर्कमस्टेंस यही है, एक ही सर्कमस्टेंस पढ़ेंगे बट चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हेन परसेंटेज डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड कम हो रहा है, व्हेन परसेंटेज डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, और मजे की बात यह है कि बस जो डिमांड जिस रेट से घट रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू जिस रेट से या जिस परसेंटेज से सप्लाई बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर डिमांड -20% हो रहा है तो सप्लाई +10% हो रहा है, ये वो वाला बात है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि अगर डिमांड -20% हो रहा है तो सप्लाई +10% हो रहा है, तो सर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप लोग सोचिए कि इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोग सोचिए कि इसके अंदर क्या होगा। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना है, प्राइस का इंपैक्ट देखना है कि देखिए डिमांड ज्यादा तेजी से गिरा और ऊपर से सप्लाई बढ़ रहा है तो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रहा है कि नहीं। एक तो डिमांड कम हुए जा रहा है, डिमांड कम होने की वजह से देखो ना डिक्रीज हो रहा है डिमांड, तो ऐसे डिमांड कम होता है तो एक्सेस सप्लाई होता है, बल्कि यहां पर चुप नहीं बैठे सप्लाई हम लोग और बढ़ा रहे हैं तो मतलब एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन क्रिएट होगा तो प्राइसेस विल करेक्ट फॉल। आइए अब देखते हैं एक चीज, हमेशा सबसे पहले ना ओरिजिनल सर्कमस्टेंस आप क्रिएट कीजिए। ओरिजिनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने से काफी क्लैरिटी आती है आप लोग को, प्राइस क्वांटिटी ठीक है ना। ओरिजिनल सर्कमस्टेंस को मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं, ये डिमांड हो गया होगा, ये सप्लाई हो गया, ये डी, ये एस, ये ओरिजिनल इंटरसेक्शन पॉइंट्स ठीक है कि नहीं है, ये आपका ओरिजिनल, ये बनाना ही है, ये बनाना ही है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जी सर, और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जी सर। अब आप लोग देखें, अब आप लोग एक चीज देखें, क्या जोश, देखिए जोश, तो सर जोश में कौन बढ़ेगा आप लोग सुनना, जोश में ज्यादा कौन बढ़ेगा अगर आप लोग नोटिस करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये डिमांड है ये सप्लाई है, चलिए कोई नहीं अभी सुनिएगा। अब क्या है कि जो डिमांड है वो ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज कर रहा है, तो यार डिमांड अगर ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज कर रहा है तो ये लीजिए धमा करके गिरा ये, यानी कि ये D1 हुआ, ज्यादा से गिरा, ज्यादा से गिरा, सप्लाई क्या होगा बढ़ेगा, सप्लाई देखो मैं बढ़ाऊंगा, सप्लाई मैं बढ़ाऊंगा बट कम परसेंटेज से बढ़ाऊंगा। आप लोग देखो ये यहां पर देखो सप्लाई को मैंने बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि बढ़ाया नहीं है बट कम परसेंटेज से बढ़ाया है, यस और नो सर, ये रहा देखिए S1 सप्लाई बढ़ा है बट कम परसेंटेज से, तो आप लोग देखिए दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। और एक बात तो सरप्राइजिंग थी ही नहीं कि प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होंगे ये बात तो सरप्राइजिंग थी ही नहीं, तो फिर अब आप सवाल उठाएंगे एक चीज का, क्या चीज का वो मैं बताता हूं कि सर प्राइसेस कम हुआ वो ठीक है बट यार ये क्वांटिटी क्यों कम हुआ सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं बोला देखो लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि डिमांड जो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फोर्स क्या है 20%, इंक्रीजिंग फोर्स कितना है 10%, दोनों क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट डिमांड बहुत तेजी से घट रहा है, सप्लाई उतना मेकअप नहीं कर पा रहा है, एज अ रिजल्ट ओवरऑल क्वांटिटी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, मतलब फॉलिंग इफेक्ट आ रहा है। ओ अच्छा, तो आप लिखोगे ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, क्योंकि एक तरफ डिमांड कम हो रहा और एक तरफ आप सप्लाई बढ़ा रहे हो, प्राइसेस फॉल, सिंस डिमांड इज फॉलिंग एट अ ग्रेटर रेट देन सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो फॉल्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो फॉल्स। बस दोस्तों ये बात है, बाकी आप लोगों को पहला दो पैराग्राफ ऑलरेडी मालूम है क्या लिखना है, बाकी आप लोगों को पहला दो पैराग्राफ्स ऑलरेडी मालूम है क्या लिखना है। तो सर ये कॉन्सेप्ट्स था, सर ये कॉन्सेप्ट्स था, ठीक है कि नहीं है, जी हाँ सर। अब हम लोग आते हैं मेन एप्लीकेशन पर जिसके लिए इतना डिस्कशन हुआ। पहली बात तो यहां से क्वेश्चंस आ सकता है क्या सर, बकायदा आ सकता है सर, बकायदा यहां से क्वेश्चंस आ सकता है, बट अब अपने लोग समझने वाले हैं क्या दो कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन और टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके अंदर दो बातें हैं और दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि ईच वन ऑफ यू आर लिसनिंग वेरी 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 यू नो क्लियरली। देखिए इसके अंदर दो टूल्स हैं, पहला टूल को अपने बोलते हैं प्राइस सीलिंग, क्या बोलते हैं अपने लोग प्राइस सीलिंग, और दूसरा को अपने बोलते हैं
प्राइस फ्लोरिंग या प्राइस फ्लोर, आपकी मर्जी है। आइए अब अपने बात करते हैं प्राइस सीलिंग के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, प्राइस सीलिंग में, प्राइस सीलिंग कौन सेट करता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेट करता है, सेट बाय द गवर्नमेंट। सर ये क्यों, किसके लिए सेट करता है? मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं, ये प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट किसके लिए सेट करता है, समझिए आप लोग। ये गवर्नमेंट सेट करता है फॉर द कंज्यूमर्स, सेट फॉर बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स। इससे किसका बेनिफिट होता है? कंज्यूमर्स का। क्या बेनिफिट होता है? कि एसेंशियल कमोडिटीज कंज्यूमर खरीद पाते हैं, टू एनेबल, जैसे वीट, राइस, ये सब, टू एनेबल देम टू बाई एसेंशियल कमोडिटीज। करेक्ट, जी हाँ सर, एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने में उनकी बेसिकली मदद होती है। सर ठीक है, ये बात तो, सर ये बात तो ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोला सुनो आगे बात करो, अब मैं बोला सुनो आगे बात करो, सर यहाँ पे गवर्नमेंट करता क्या है? मैं बोला अब रुकिए, ये तो इंट्रो था, अब अपने लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट रियल में करता क्या है। देखिए आज आप लोग सोच के देखिए, अगर अपने लोग यही दिन भर करें और यही रियल में हो वर्ल्ड में, कि जहां पे डिमांड और सप्लाई पोजीशंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई पोजीशंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इक्विलिब्रियम प्राइस हो या वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, तो प्रॉब्लम देखो क्या हो जाएगा। ये देखो, ये डिमांड, ये सप्लाई, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? यहां कर रहे हैं। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए ये एसेंशियल कमोडिटीज का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपने लोग, है ना, एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यार हमारी इकोनॉमी में या वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में ऐसे लोग तो हो ही सकते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो लोग ये प्राइस भी अफोर्ड ना कर सके, मार्केट अपना ईगो में आके बोल दिया कि भाई डिमांड एंड सप्लाई यहां इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मार्केट अपनी जगह गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वो पुअर लोग का भी तो हक है ना कि वो लोग कम प्राइस पे ये चीजें बाई कर सके, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइस एट पी, मतलब टू परचेज एट पीई प्राइस, वो उनके लिए महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग सेट करता है। प्राइस सीलिंग सेट करता है मतलब कुछ कमोडिटीज के लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइसेस सेट करता है कि इन कमोडिटीज के लिए इससे ज्यादा चार्ज किया नहीं 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 जा सकता, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। और प्राइस सीलिंग कहां सेट किया जाता है? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सीलिंग सोचते हैं तो ऊपर देखते हैं, और ऊपर देखते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर बना देते हैं। गलत, प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग नाम क्यों है? सीलिंग बिकॉज इट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर। एक प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर से जो मैक्सिमम चार्ज कर सकता है वो सेट किया जाता है बिलो पीई। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका मतलब आप कहते हो कि ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स किया। यस, ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स किया। हाँ सर, अब आप एक बात समझो, मैं बोला क्या? सर आप जो बोलते हो वो बात सही है कि गवर्नमेंट उनका मदद करना चाहता है, इस वजह से गवर्नमेंट जो प्राइजेस है वो थोड़ा सा नीचे सेट किया। गुड सर, गुड। लेकिन सर हमारे को एक प्रॉब्लम है। मैं पूछा क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे को प्रॉब्लम ये है कि इस ऐसे करते हैं से तो एक्सेस डिमांड राइज हो गया, क्योंकि देखिए इस प्राइस पर तो एक्सेस डिमांड राइज हो रहा है, क्योंकि काफी लोग डिमांड करेंगे तो देर इज एक्सेस डिमांड। तो सर गवर्नमेंट इस एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करेगा? मैं बोला यार बात तो सही है। तो गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या सिस्टम बनाया पता है? गवर्नमेंट ने क्या किया? एक रैशनिंग सिस्टम प्रिपेयर किया। रैशनिंग सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट क्या करता है? बेसिकली रेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। और राशन कार्ड्स में गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट बोलता है कि राशन कार्ड्स में जिनके पास राशन कार्ड्स है, एक सर्टेन क्वांटिटी तक वो लोग इस लोअर प्राइस पे खरीद सकेंगे। और बियॉन्ड दिस सर्टेन क्वांटिटी, अगर आपको इस सर्टेन क्वांटिटी के बियॉन्ड खरीदना है तो फिर सर आपको जो हायर प्राइस है वही देना पड़ेगा। इस तरह से गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड का सिचुएशन को टैकल करता है। इससे देखो जो लोग पुअर होंगे वो लोग तो सिर्फ अपना जरूरत अनुसार खरीदेंगे, और बाकी जो पुअर नहीं होंगे वो लोग अपना जरूरत अनुसार भी ले सकेंगे, और अगर एक्स्ट्रा लेना है तो बेसिक प्राइस दे के लीजिए और आप अफोर्ड भी कर सकते हो। ये स्कीम ऐसे भी आपके लिए नहीं था, है ना। अब दोस्तों ब्लैक मार्केटिंग की वजह से एक काला बाजारी होता है, ब्लैक मार्केट, यू नो, इसकी वजह से, मतलब प्राइस सीलिंग की वजह से ब्लैक मार्केटिंग होता है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। मतलब सर इसमें क्या होता है? अब काफी लोग क्या करते हैं, ये रेशंस का सिस्टम इस्तेमाल करके
लोअर प्राइसेस पे सामान को खरीद लेते हैं। अब लोगों को पता, उनको पता ही है कि एक्सेस डिमांड है मार्केट में, मार्केट में लोगों को ज्यादा खरीदना है, और फिर ब्लैक मार्केट में वो लोग बेसी प्राइसेस में कमोडिटी को बेचते हैं। समझ रहे हो आप, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं इस प्राइस पे, बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं अलग अलग राशन कार्ड अरेंज कर करके, और फिर ब्लैक मार्केट में जाके इससे ज्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट मारते हैं। तो गवर्नमेंट का स्कीम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कहीं ना कहीं, और जो लोग इस प्राइस पे बेचते थे वो प्राइस पे भी नहीं बेच पाते, बिकॉज जो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग कहीं इस लेवल पे बेचते हैं। आप सोचो ना, मान लीजिए गवर्नमेंट 50 फिक्स कर रखा है, और बाजार में अगर मेरे को और ज्यादा चाहिए तो 100 में बिक रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 50 में खरीद लेंगे और बाजार में 70 में बेचेंगे। तो मेरा अगर 50 में डिमांड सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, वरना मैं जाके बाजार में 70 में खरीदूंगा ना, 100 में नहीं खरीदूंगा। समझ रहे हो, तो ये ब्लैक मार्केटिंग स्कीम अराइज हो सकता है सर ड्यू टू दिस एक्सेस डिमांड, ठीक है ना। खैर जो भी है, तो आइए अब अपने लोग इस बात को लिखें, हियर मैक्सिमम प्राइसेस आर सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। सबसे पहले आप लोग ये लिख दीजिएगा, प्राइस टू एनेबल द परचेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। यस और नो दोस्तों? जी सर। टू एनेबल द परचेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाई कंज्यूमर्स, करेक्ट? जी हां सर करेक्ट। सर आगे बात करिए ना आप, मैं बोला ओके, आपने कहा, हमने किया, अब सर आगे बात क्या करें? सवाल यह है कि सर आगे बात क्या करें। तो दोस्तों आगे का बात यह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि इसकी वजह से क्या होता है। हियर मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस टू एनेबल द परचेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी बाय कंज्यूमर। अब इसकी वजह से क्या होता है, आप लोग एक चीज सोचने का कोशिश करिए। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेस डिमांड। सारी बातें आप बताओगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट टैकल्स दिस वाया रेशनिंग सिस्टम वेयर राशन कार्ड्स आर इशूड, जहां पे लोगों को राशन कार्ड्स इशू किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर, राशन कार्ड इशू किए जाते हैं, वेयर राशन कार्ड आर इशूड एंड, अब एक एंड आ जाएगा, और वो एंड क्या है सर, वेयर राशन कार्ड आर इशूड एंड, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, वेयर राशन कार्ड आर इशूड एंड certain quantity only rest at higher price। फिर लास्ट में लिखना मत भूलना, it may lead to black marketing, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, तो सबको पता है कि डिमांड अगर एक्सेस है तो लोग ज्यादा प्राइस देने को भी रेडी होंगे। इट मे लीड टू ब्लैक मार्केटिंग एज एक्सेस डिमांड मे लेट सम पीपल टेक एडवांटेज बाय सेलिंग एट अ हायर प्राइस। एक्सेस डिमांड की वजह से लोग हायर प्राइस पे बेचने के लालच में भी आ सकते हैं। यस और नो दोस्तों? हाँ सर। ये खत्म हो गया अपने लोग का प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट। सर बस इतना ही था। जी हाँ, लेकिन इस इतने का ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा, तो आप लोग मत भूलिएगा सर इसको, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है, नहीं भूलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस फ्लोरिंग के बारे में, या प्राइस फ्लोर के बारे में। प्राइस फ्लोरिंग इज नॉट अ वर्ड एक्चुअली, प्राइस फ्लोर के बारे में। सर अब ये प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट किसके लिए सेट करता है? ये गवर्नमेंट फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स करता है। दिस इज सेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? इट इज सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, या कॉमा देके मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोड्यूसर्स। सर करेक्ट बात? जी हाँ बिल्कुल सर, करेक्ट बात कहते हो आप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग सुनिएगा प्लीज। सर बताइए,
अब दोस्तों बात इधर है इतनी सी है, बात अब दोस्तों इधर पे इतनी सी है कि ये सेट बाय गवर्नमेंट है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ऑल दिस इज फाइन, इट्स गुड कूल, बट है एक बट है। और वो बट क्या है यहां पर सर? वो बट ये है यहां पर कि यहां पर होता क्या है, अगेन सेम चीज, अगेन सेम चीज। मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं है, ये डिमांड और ये सप्लाई, करेक्ट, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, आप लोग देखें एक बार बस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वेरी वेरी गुड, एवरीथिंग गोइंग जिली जॉली। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो प्राइसेस सेट हुआ है, जो मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस है, हो सकता है कि प्रोड्यूसर का या फार्मर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या क्रॉप ग्रोइंग का कॉस्ट है वो इससे ज्यादा हो। तो अगर ये प्राइस मार्केट में चलता है तो पता चलता है कि वो अपना प्रॉफिट तो छोड़ दो, अपना बेनिफिट तो छोड़ दो, वो बेचारा अपना कॉस्ट ही नहीं कवर कर पाया। और ये बात गवर्नमेंट को दिखाई पड़ती है, ये बात गवर्नमेंट को दिखाई पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसके ऊपर प्राइसेस सेट करता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करता है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। गवर्नमेंट जब इसके ऊपर प्राइसेस सेट करेगा, मान लीजिए गवर्नमेंट P1 पे प्राइस सेट किया, तो जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस P1 पे सेट किया, आप लोग देखिए हुआ क्या, इकोनॉमी में क्या हो गया, इकोनॉमी में जो कंडीशन अराइज हुआ, इकोनॉमी में जो कंडीशन अराइज हुआ, वो अराइज हुआ एक्सेस सप्लाई का, यस और नो? वो अराइज हुआ एक्सेस सप्लाई का, यस और नो? जी हाँ सर, जी हाँ सर, इकोनॉमी में जो कंडीशन अराइज हुआ वो अराइज हुआ एक्सेस सप्लाई का। सर बेहतर बात, अब आप लोग एक चीज सोचिए, अब आप लोग एक चीज सोचिए, जब एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन आएगा तो प्राइसेस विल फॉल, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है। अब क्या पता सर, आप लोग बोलो कि इस हायर प्राइस पे कोई खरीदे ही नहीं, मैं बोला नहीं, पहले तो लोग खरीदेंगे क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी है, और दूसरा, लेकिन सर फिर भी तो एक्सेस सप्लाई हो रहा है, तो जो एक्सेस सप्लाई हो गया मार्केट में, गवर्नमेंट वो बाई कर लेता है एट दैट हायर प्राइस, और उसका एक बफर स्टॉक बना लेता है, जो फ्यूचर में अर्थक्वेक आ गया या कोई भी कंटिजेंसी आ गया तो उसमें गवर्नमेंट इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल करता है। ओ, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज सच दैट, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज सच दैट फार्मर्स आर अनेबल टू कवर देयर कॉस्ट, गवर्नमेंट सेट्स इट्स, सेट्स इट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, गवर्नमेंट इसको इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करता है। एज अ रिजल्ट, लिसन वेरी केयरफुली, एज अ रिजल्ट, जब भी गवर्नमेंट इसके ऊपर सेट करता है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, जब गवर्नमेंट इसको इसके ऊपर सेट करता है, एज अ रिजल्ट देयर इज एक्सेस सप्लाई, गवर्नमेंट बाइज द एक्सेस सप्लाई एंड बिल्ड अ बफर स्टॉक, एक बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्रिएट कर लेता है फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज। दोस्तों मैं बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से खत्म। सर सबको समझ आया क्या? यस और नो? हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्तों, टॉपिक खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा दोस्तों। फटाफट फटाफट, यस सर, वेरी वेरी गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों ये डिस्कशन हमारा आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे अपने लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय बाय।